किस तरीके से हमारे चंदू भाई रूपारेलिया हैं, जूनागढ़ में वैष्णव हैं, एक बिल्डर हैं, और किस तरीके से ये भाषा बोलते हैं जीव जंतुओं की, और इन सबको देखो किस तरीके से इन्होंने बुला लिया है, और ये सबों ने इनको घेर भी लिया है। कहते हैं कि आदमी की भाषा को जानवर नहीं समझता है। यहाँ देखने को मिलेगा कि आदमी जानवर की भाषा बोल करके किस तरीके से जीव जंतुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, और देखो उनकी जो व्यवस्था है उस पर किस तरीके से ये जानवर बहरा रहे हैं। यहाँ पक्षपात नहीं है, यहाँ जिसकी तकदीर जो होगा उसे उतना मिलना ही है। श्रृंगार के दर्शन करने के बाद में ये चंदू भाई रूपारेलिया यहाँ आए हैं, तो इनके चाहने वाले पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, और या इनकी भाषा को सुनने के साथ ही इनका जो इशारा है उसको सुनने के बाद में सभी आ जाते हैं। ये इनका नित्य अभ्यास है, ये डेली आते हैं। कब से देख रहे हैं आप इनको? दो बरस से ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही खिलाते हैं सबको। मैंने आज इनके साथ 2 घंटे देने के बाद में ये महसूस किया कि ये गऊ ब्राह्मणों की तो रक्षा करते ही हैं, लेकिन जीव जंतुओं पर भी दया करते हैं। यहाँ से लेकर के वो महाप्रभु जी की बैठक जीता, जितने भी कूतड़ा हैं उन सबको बिस्कुट देना, जहाँ जैसा जिसका नसीब है उसके अधिकार को उस तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं हमारे चंदू भाई रूपारेलिया। आज की ये वीडियो इन्हीं के नाम से थी, और इनके कर्म पर देखिए किस तरीके से किसको क्या खिलाते हैं, किसको क्या खिलाते हैं, किसको क्या देते हैं, सबका हिसाब किताब है, और सब इनको देखने के साथ में अपने आप इनके आगे सब ये अच्छी बात है। आपको इनका ये कर्म जो है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। इनकी इस कार्य प्रणाली से इनकी सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा है ना वो सब। मैंने यही कहा है कि गौ ब्राह्मणों की दया तो करते ही करते हैं, लेकिन ये जीव जंतुओं को कितनी तरीके से संभाल के रखना और इनका सबका मन लगाना। वो सही बात है। अब ये गायों में चले गए, आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, लाला को गायन को संग बहुत भावे। ऐसे गायों के ऊपर में कभी बहुत पदे हैं, और ये गौ जीव जंतु की सेवा कर रहे हैं हमारे चंदू भाई।